फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट ब्लॉगर। मैं हूं मुकेश और फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जाने वाले हैं चैतुरगढ़ की पहाड़ी शंकर गुफा। तो बने रहिए वीडियो पे और एंजॉय करिए। यह चैतुरगढ़ रायपुर से 190 किलोमीटर और बिलासपुर से 74 किलोमीटर और साथ ही कोरबा से 78 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं और इस स्थान से हमको नीचे जाना है सीढ़ियों के द्वारा। और उससे पहले एक यहां पर देवी जी का मंदिर हुआ करता था जो अभी पूरी तरह गिर चुका है और इसके नीचे है शंकर गुफा। तो पहले हम देवी जी की मंदिर जो है गिर चुकी है उसे देखते हैं, फिर जाएंगे नीचे की ओर। तो यहाँ का जो मंदिर का देख सकते हो पिलर पूरा गिरा हुआ है और हर एक पिलर पर अलग अलग कारीगरी की गई है जो आप अच्छे से देख सकते हो। तो दोस्तों, आप जब भी शंकर गुफा आते हो तो खाने पीने का सामान और पीने के लिए पानी अवश्य रखें, क्योंकि यहाँ का रास्ता सीढ़ियों से होकर जाता है और लगभग आपको 4 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, तो सामान जरूर रखें। तो देख सकते हो किसी ने ऊपर से पत्थर शायद हिला दिया तो खराब पानी आया, तो जितना भी भरा हुआ था साफ पानी वो भी पूरा वेस्ट हो गया। अब फिर से जब साफ पानी आएगा तब फिर भरेंगे, तब जाके पीने लायक होगा। तो जंगल में पानी नहीं मिल रहा है तो पानी पीने का जुगाड़ जो पहाड़ से पसीज कर आ रहा है उसको हम बांस का जो पत्ती है उसको लगा करके बॉटल में पानी डाल रहे हैं और पीने के लिए रखेंगे इसको, और जितना भी प्यास है उसको बुझा लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे की ओर। तो पानी एकदम टेस्टी है। तो जब भी आप शंकर गुफा की ओर आते हो तो पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखें, क्या कि ऐसा दिक्कत आपको ना आए। अभी तो बरसात का मौसम है तो पानी पसीज कर आ रहा है और नहीं पता आप जब कब आते हो उस टाइम पानी मिले ना मिले, तो एक्स्ट्रा पानी जरूर रखिएगा।
तो दोस्तों के साथ हमने पानी पीकर शंकर गुफा की ओर आगे बढ़ चले, और जैसे जैसे हम जाते गए हम पहुंच चुके थे शंकर गुफा। और शंकर गुफा का व्यू कुछ इस प्रकार से जो आप देख सकते हो सामने। तो दोस्तों जैसे ही आप शंकर गुफा पहुंचोगे वहां का दृश्य कुछ इस प्रकार से है। और शंकर गुफा है जस्ट उसके सामने एक छोटा सा कुआं है, और उसके सामने का व्यू कुछ ऐसा है जो देख सकते हो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और जस्ट सामने में छोटे छोटे लकड़ी के स्टॉल बनाए गए हैं जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं शंकर गुफा के अंदर और कराते हैं आपको भोलेनाथ जी का दर्शन। हम जैसे ही गुफा के अंदर गए वैसे ही हमको दो गुफा दिखाई दिया और बताया कि राइट साइड वाला गुफा लंबा है, लगभग 20 से 25 फीट अंदर जाना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड वाला छोटा है। तो सामने में शंकर जी हैं और अंदर में देवी जी हैं, और राइट साइड वाले गुफा में भोलेनाथ जी हैं। तो चलिए चलते हैं राइट साइड वाले गुफा में और दिखाते हैं आपको भोलेनाथ जी का गुफा। ये जो गुफा है वो बहुत ही सकरा है, तो आप जब भी आते हो इस गुफा में एक बार में एक ही व्यक्ति घुसे और एक व्यक्ति बाहर आए, क्योंकि ये जो जगह है वो बहुत ही सकरा है और पत्थर है, बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ही व्यक्ति अंदर जाए और बाहर आए। और देख सकते हो गुफा के अंदर दीपक बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है जलता हुआ। तो चलिए चलते हैं गुफा के अंदर। दोस्तों आप जब भी गुफा के अंदर आते हो तो ध्यान से आइए, क्योंकि यहाँ सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देख सकते हो गुफा के अंदर शंकर जी विराजमान हैं और नारियल फूल वगैरह चढ़ाए गए हैं, साथ में दीपक भी जल रहा है, और जस्ट बगल में उनके त्रिशूल विराजमान है। और यहाँ पर कुछ पंडित रहते हैं जो यहाँ की देख रेख करते हैं और यहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ का इंटरनल व्यू। यहाँ शंकर गुफा चैतुरगढ़ में महाशिवरात्रि के पर्व पर मेला होता है जो पहाड़ी के ऊपर होता है। तो आप जब भी यहाँ आते हो सके तो महाशिवरात्रि के पर्व पर आइए, क्योंकि यहाँ आपको मेला भी देखने को मिलेगा और भीड़ भी होगी और आपको मजा भी आएगा। तो चलिए चलते हैं गुफा के बाहर की ओर और दिखाते हैं आपको बाहर का पूरा नज़ारा। और देख सकते हो गुफा से निकलते ही हमारा हाल पूरा बेहाल हो चुका है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा शंकर गुफा का वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।